हेलो दोस्तों, मेरा नाम शक्ति सिंह है और मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको ड्रीम इलेवन की टीम बनाना सिखाऊंगा। आज का मैच है दिल्ली कैपिटल वर्सेस केकेआर के बीच में, जो कि सेकंड एलिमिनेटेड राउंड है। उसके अंदर आज जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में जाएगी और वो सीएसके के खिलाफ भिड़ेगी। तो आज का मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये शारजाह के स्टेडियम खेला जाएगा, जो कि एक लो स्कोरिंग ग्राउंड है। उसके अंदर ज़्यादा 140 के 150 के समथिंग स्कोर बनता है, ज़्यादा हाई स्कोर नहीं जाता है। तो इस वजह से अपन बॉलिंग सेक्शन से ज़्यादा विश्वास जता सकते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन से ज़्यादा ज़्यादा खिलाड़ी ले सकते हैं, जिससे कि दोनों तरफ के अपने को मदद मिलेगी। तो अपन पहले खिलाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक है। तो ऋषभ पंत रिसेंटली अच्छे फॉर्म में भी है और वो बंदा अभी ऊपर भी प्रमोट होकर बैटिंग कर रहा है। फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन में बैटिंग करना आता है और दिनेश कार्तिक बहुत ही नीचे बैटिंग करना आते हैं, छठे सातवें नंबर बैटिंग करना आते हैं। तो इनको बहुत कम चांस मिलता है और जब ये बैटिंग करना आते हैं तो इनको हिटिंग करने का ही मौका मिलता है, तो हिटिंग में इतने अच्छे चलते नहीं है। तो इस वजह से अपन ऋषभ पंत पर ज़्यादा विश्वास दिखाएंगे। और बैटिंग सेक्शन में देखें तो बैटिंग सेक्शन में शिखर धवन ने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन उससे पहले जो केकेआर के खिलाफ मैच हुआ था उसके अंदर इन्होंने अच्छे बैटिंग दिखाई थी और वो भी शारजाह में ही हुआ था। तो यहाँ से इसको ले लेते हैं। नीतीश राणा की बात करें, नीतीश राणा ने भी अच्छा परफॉर्म किया था, पिछले मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया था और दिल्ली के खिलाफ जो शारजाह मैच हुआ था उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया था। और राहुल त्रिपाठी है जो कि अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, और इवन मॉर्गन है जो बहुत ही नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, तो इनका कोई रह ही नहीं जाता है। स्टीव स्मिथ चेंजिंग हो सकता है दिल्ली कैपिटल के अंदर, क्योंकि सही है की जगह स्टीव स्मिथ को ले सकते हैं, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने पिछला मैच नहीं खेला था लेकिन उससे पहले वाला मैच जो केकेआर के साथ हुआ था उसके अंदर स्कोर किया था और वो भी शारजाह में किया था। तो स्टीव स्मिथ भी आ सकते हैं, जब आ जाएंगे जब ले लेंगे। हेटमायर ने भी पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन उससे पहले बिल्कुल फ्लॉप चल रहे थे, इतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो हेटमायर है, पृथ्वी शो की बात करें तो पृथ्वी शो ने पिछले मैच में 50+ स्कोर किया था, तो ये भी अच्छे है। और शुभमन गिल का जो दिल्ली के खिलाफ मैच हुआ था उसके अंदर अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने। तो अपन यहाँ से एक नीतीश राणा को ले लेते हैं, क्योंकि एक इसका हो गया और शुभमन गिल, क्योंकि ऑल एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि 6 ओवर तक बैटिंग सेक्शन को फ़ायदा मिलता है, शुरुआत के 6 ओवर तक, चाहे वो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे या सेकंड इनिंग में बैटिंग करे, जब तक बॉल पुरानी नहीं होती है, जब तक वो स्विंग नहीं होगी। तो अपन आराम से जो ऑलराउंडर्स इनके बैटिंग ऑर्डर में जो टॉप प्रमोटर है उनके अंदर फर्स्ट डाउन तक सेकंड डाउन तक अपन उनको कर सकते हैं। और यहाँ से देखे तो वेंकटेश अय्यर के बारे में बात करें, वेंकटेश अय्यर एक अच्छे प्लेयर है, बॉलिंग भी अच्छे करते हैं, लेकिन पिछले मैच में इन्होंने विकेट नहीं लिए थे और बॉलिंग सेक्शन में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बैटिंग सेक्शन में भी, फिर भी इनका सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, क्योंकि पता है लोगों को कि ये कभी भी चल सकता है बंदा। तो अपन वेंकटेश अय्यर ओपनिंग बैट्समैन आते हैं तो इसलिए इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग में भी अपने को सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे बैटिंग सेक्शन में भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऑलराउंड उसके अंदर ओपनिंग में आएंगे तो अच्छा है। यहाँ से सुनील नारायण को ले लेते हैं, क्योंकि सुनील नारायण रिसेंटली अच्छे फॉर्म में है, दोनों मैच इन्होंने शारजाह में खेले हैं, लास्ट के दोनों मैचों में इन्होंने एक में 3 विकेट लिए, एक में 2 विकेट लिए और इस बैटिंग से भी स्कोर दिया इन्होंने, तो ये ले सकते। अक्षर पटेल भी अच्छे हैं, लेकिन अक्षर पटेल पिछले मैच में फ्लॉप रहे थे और उसके पहले भी मैच में फ्लॉप रहे थे, बैटिंग में भी इतना अच्छा कर नहीं रहे हैं। बस शाकिबुल हसन की बात करें, शाकिबुल हसन एक प्लेयर हैं लेकिन उन्होंने इतना अच्छा कुछ किया नहीं है, तो अपन 2 ही ले लेते हैं यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो लोकी फंगिसी, जो कि रिसेंटली अच्छे फॉर्म में है,
उन्होंने लास्ट मैच में आरसीबी के खिलाफ भी विकेट लिए थे और उसमें भी विकेट लिया था केकेआर के खिलाफ भी। नोटियाल भी अच्छे फॉर्म में है और डेथ ओवर भी करते हैं, शुरुआत के ओवर भी करते हैं, तो इन पे विश्वास कर सकते हैं। आवेश खान पहले मिडिल ओवर में बॉलिंग करते थे, लेकिन अब ये पिछले लास्ट मैच में ऋषभ पंत ने इन पर विश्वास दिखाया और डेथ ओवर में बॉलिंग करवाई थी इन्होंने। 18 या 19 ओवर डाला था, उसमें विकेट निकाला था, और इन्होंने उस टाइम रबाडा फ्लॉप हुए थे लास्ट मैच में, तो इस वजह से इनको ओवर दिया गया था क्योंकि रबाडा को बहुत मार पड़ी थी पिछले मैच में इसीलिए। और यहाँ से ये टॉम करण है, टॉम करण भी एक अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने भी लास्ट लास्ट मैच में डेथ ओवर में बॉलिंग की थी वो, और एक दो विकेट लिए थे इन्होंने, इन्होंने विकेट निकाले थे। एस मावी भी विकेट निकाल रहे हैं अभी, तो अपन को 4 खिलाड़ी लेने हैं बॉलर सेक्शन से। मैं अश्विन की बात करें तो अश्विन आउट ऑफ फॉर्म है, अश्विन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बैटिंग सेक्शन में भी कोई इतना खास कर नहीं रहा है और ना बॉलिंग में इतना चल रहा है। टीम साउथी का कह सकते हैं कि चल रहा है, लेकिन टीम साउथी का भी कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ से मैं बॉलिंग सेक्शन में अगर बात करूँ तो हो सकता है कि पिछली बार ऋषभ पंत की काफ़ी आलोचना ही हुई थी क्योंकि उन्होंने लास्ट डेथ ओवर में किसी रबाड़ा को ओवर नहीं दिया था, तो शायद हो सकता है कि बार रबाड़ा को डेथ ओवर में बॉलिंग दे दे क्योंकि शुरुआत में तो बॉलिंग करेंगे वो, तो डेथ ओवर के लिए इसको ले लेते। वरुण चक्रवर्ती जो कि शुरुआत में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन अब भी इनको इतने अच्छे विकेट नहीं मिले, लेकिन केकेआर के खिलाफ लास्ट मैच में इन्होंने विकेट निकाला था। लोकी फिंगिसी को ले लेते हैं और एक आवेश खान को ले लेते हैं क्योंकि हो सकता है, दो डीसी के ले लेते हैं और दो इसके ले लेते हैं। कलकत्ता के अपने ऑलराउंडर सेक्शन से खिलाड़ी लिए हैं, देखो 1 मिनट, ऑलराउंड सेक्शन से दोनों ही कलकत्ता के हैं, तो एक मैं बॉलर डीसी का और डाल दूंगा, तो मैं यहाँ पे एक बॉलर डीसी का डालूँ तो देख लेते हैं। टॉम करण को ले लेते हैं, टॉम करण भी अच्छे बॉलर हैं, और इधर नोटियार जी भी अच्छे बॉलर हैं, तो नोटियार जी शुरुआत के ओवर डालते हैं, तो हम टॉम करण को ले लेते हैं क्योंकि इन्होंने अच्छा फॉर्म दिखाया था लास्ट में, डेथ ओवर में बॉलिंग की थी, एक दो विकेट लिए थे। ये मेरी टीम प्रीव्यू होगी, मैंने ऋषभ पंत को इसलिए लिया क्योंकि ये